तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आपसे स्वागत है कौन है गेम प्ले वीडियो में। भाई इस वाले मैच में यहाँ पर तुम्हारा वो जा रहा है ओल्ड बेसिन में। और यहाँ पर देखो फ्लैट रोड जो था वो दो तरफ से था, मतलब एक था थर्डल की तरफ से और एक था ओल्ड बेसिन के ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि भाई ओल्ड बेसिन ही आएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है और मतलब हमें अच्छी खासी नॉलेज भी, और मतलब हाथ पे बैठा हुआ इस वाले एरिया पे। तो यहाँ पर मैं उतरता हूँ ये सोच करके भाई एक स्कोर तो लगभग आ ही जाएगी, जिसे इजिली निपटा के निकलेंगे इधर से और सीधा रश मारेंगे हम सीधा थर्डल पे। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर जो था भाई बंदे आते ही नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत लूट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा प्लान ये था कि भाई यहाँ से लूट करने के बाद हम सीधा रश कर देंगे थर्ड हिल में, और होता है ऐसे ही वहां पर हमें बंदे मिल जाते हैं लकीली, और मतलब पूरी की पूरी स्क्वाड होती है। और मतलब वाला क्लास देखना, मतलब उनमें से शायद एक बंदे के पास स्ट्रेलिक होते हैं, लेकिन भाई फिर भी बस देखो कैसे निपटाएंगे उन बंदों को, और मतलब बहुत ज्यादा मजा आने वाला। फिलहाल पर हमारी लूट तो हो चुकी थी, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पर एक M16 मिल जाती है और एक शॉटगन, मतलब मेरे पास अभी भी कोई भी ऑटो गन नहीं थी। लेकिन भाई उससे पहले यहाँ पर एक दो बोट आया था, तो बस देखो अब ये दोनों बंदे तो मारे आ चुके। लेकिन भाई इससे पहले मैं यहाँ से निकले, भाई मेरे को एक ऑटो गन की तलाश है जो कि मुझे आगे वाले रेड हाउस में मिल जाती है, और वो गन होती है स्कारल। तो भाई यही उठाने के बाद मैं सीधा पुश कर लेता हूँ, और थोड़ा सा आगे बढ़ते तो भाई मेरे को यहाँ पर टॉमी भी मिल जाती है जो कि मैं उठा लेता हूँ, जो कि आगे जाकर भाई बहुत ज्यादा काम आने वाले। तो यहाँ पर मेरे को गन्स तो मिल चुकी थी, तो भाई अब बारी आते पुश करने की। तो यहाँ पर मैं गाड़ी उठाकर सीधा पुश कर लेता हूँ थर्ड हिल में। अब जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट बंदे को नॉक करता हूँ, यहाँ पर इसी बंदे को नॉक करने में वो स्कोप वाली जो दिक्कत है वो यहाँ पर आ गई। तो भाई आगे वाले बंदों को निपटाने में भाई दिक्कत तो आने वाली है। Marked a location. और यहाँ पर फाइनली इसी के साथ ये और स्कोर तो मारे आ चुके हैं। और यहाँ पर हमें ऐसे लग रहा था कि भाई और भी बंदे हो सकते थे इधर, लेकिन भाई यहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि भाई एक स्कॉड पहले ही मतलब मारी आ चुकी थी, इन बंदों ने निपटा दिया था। तो यहाँ से भाई बार आता है लूट करके निकलने की, और यहाँ पर तभी सामने एक और बंदा आया था जो कि एक बॉट होता है, जिसका किल चोरी बस देखो यहाँ पर। फिलहाल मैं इस किल चोरी को इग्नोर करता हूँ, क्योंकि भाई सामने की तरफ से कुछ गन साउंड आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं स्कोप ओपन करके देखता हूँ और मुझे एक बंदा भी दिखता है जो कि एक बॉट होता है। फिलहाल उसके बाद हम इस बंदे को इग्नोर करते हैं, वापस से पीछे आके मैं थोड़े बहुत क्रेट चेक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम गाड़ी उठा के सीधा निकल लेते हैं बंदों की तलाश में, और सीधा मैं आता हूँ इस वाली जगह पर। अब देखो जैसे मैं इस वाली जगह पर आता हूँ भाई, मुझे राइट साइड से कुछ AKM वीकेम चलने की आवाज़ आती है, और जैसे मैं क्लोज में पहुँचता हूँ भाई इधर तबाही मची हुई थी। तो बस देखो सच बताओ तो भाई यहाँ पर मुझे पूरी की पूरी स्क्वाड लगी थी, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा भाई मतलब एक अकेला बंदा तो मचा नहीं सकता। लेकिन भाई ये जो बंदा था यहाँ पर अकेला बैठा होता है, जहाँ से मुझे AWM मिल जाती है जो कि मैं उठा भी लेता हूँ, और आगे आके तबाही भी देखने को मिलने वाली आप लोगों को। फिलहाल पर उसके बाद यहाँ से मग्गे उठा के सीधा निकल लेते बंदों की तलाश में। अब उसके बाद हम जैसे यहाँ से गुजरते हैं, हमें पीछे साइड से एक US की आवाज़ आती है, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। और मतलब वो जो US वाली गाड़ी होती है भाई वो यहाँ पर नहीं रुकती, मतलब देखना कहाँ पे जाके रुकती है।
अब ये जो बग्गी वाले बंदे भाई, इनको तो मैं बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई ये जो बंदे थे बच जाते हैं। फिलहाल उन बंदों को भी निपटाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले भाई आसपास वाले बंदों को निपटा लेते। तो भाई हमारे जस्ट सामने एक पूरी के पूरी स्क्वाड है, तो यहाँ पर मैं दो बंदों को तो नॉक कहता हूँ, मतलब दोनों को शायद से फिनिश भी कर दिया मैंने। तो यहाँ पर भाई अब बारी थे लास्ट वाले बंदे पे पुश करके निपटाने की उस बंदे को। तो बस देखो और यहाँ पर इसी के साथ ये वाला बंदा भी मारा आ चुका है, जो कि भाई यहाँ पर आने से पहले मेरे एक दो स्मोक कहता है बचने के लिए, लेकिन भाई एट द एंड इस वाले बंदे के नसीब में मौत ही लिखी थी, तो भाई मारा जाता है ये वाला बंदा। और तभी यहाँ पर जो बग्गी वाले बंदे बच के भागे थे, वो बंदे हमें यहाँ पर हमारे हत्या चढ़ने वाले हैं। तो बस देखो, लेकिन उससे पहले भैया जो घर वाले बंदे हमें परेशान कर रहे थे, तो फिलहाल इन बंदों को इग्नोर करते हैं, इनको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले निपटाते भाई इन बंदों को। और यहाँ पर भाई मुझे लगा नहीं था कि भाई ये स्टेलकी वाला बंदा मर जाएगा, मतलब लास्ट की गोली उसको हेडशॉट लग जाती है और उस बंदे के पास स्टेलकी होती है, और यहाँ पर भाई सच बता तो बाल बाल बच जाते हैं हम। अब यहाँ पर जो था भाई सामने वाले बंदे पीक करके मारे थे, और मतलब सच बता तो भाई पबजी लाइट के अगले चेक है भाई, सामने वाला बंदा अगर पीक कर ले तो भाई आपका स्नाइपर शॉट कनेक्ट ही नहीं होता, और आप लोगों को तो पता नहीं लेकिन भाई मेरे साथ ये वाला ग्लिच हमेशा होता। तो यहाँ पर मैं एक बंदे को बॉडी शॉट कनेक्ट करने के बाद सीधा निकल लेता हूँ जोन की तरफ, क्योंकि जोन आ चुका था और हम जोन से काफी ज्यादा दूर थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं और भाई उन्हीं बंदों का वेट करने लग जाते हैं। तो बस देखो, अब इनका जो ब्लू ड्रेस वाला बंदा होता है वो पता नहीं कहाँ से बच के जोन की तरफ निकल लेता, और इस बात की मैं भनक बिल्कुल भी नहीं थी, हमें यहाँ पर लगा था कि भाई वो जो बंदा था यहाँ पर मर चुका है, लेकिन बस देखो जोन के अंदर क्या ही एंट्री मारते वाला बंदा। और फाइनली यहाँ पर इसी के साथ कर लेते तो हमारे भाई चिकन है। तो इसी थी आज की गेम प्ले वीडियो में, और भाई लास्ट वाला क्लच आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके बताना मुझे, और मतलब वीडियो पर लाइक कर देना अगर आपको ये वाला क्लच बढ़िया लगा हो, मतलब ये वाला चिकन है तो मतलब कर देना लाइक, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर ऐसी दवाई भरी गेम प्ले देखने को मिल जाए। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यही थी आज की गेम प्ले वीडियो में, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।